सो हेलो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन टू क्रेजी। वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। मेरा नाम है मितेश भारद्वाज एंड करंटली आई एम अ सेकंड ईयर अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट एट बिट्स पिलानी। तो यार, इतनी रात को वीडियो बनाने का क्या मोटिव है? आवाज भी नहीं निकल रही है मुंह से। सबसे पहले कहना चाहूंगा यार कि मतलब बिल्कुल हर चीज, हर लिमिट क्रॉस कर दी है लोगों ने। क्या बोलूँ, मतलब रात को 12-12 बजे भी, इतनी रात को भी बच्चे मेरे को फोन कर करके बोल रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि भैया एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग क्या अपडेट है, क्या अपडेट है। तो यार अभी तक एडमिट कार्ड आप लोगों का नहीं आया है। मतलब लोग क्या कर रहे हैं कि इस ऐप पे जाइए, वहां पे हमारा डेटा फिलअप करिए, कोई फेक वेबसाइट पे पता नहीं कौन सा क्या आ गया कि वहां पे एडमिट कार्ड रिलीज होने का कुछ बता दिया। वहां पे बच्चे अपना एप्लीकेशन नंबर भरे जा रहे हैं और उनको पता नहीं क्या कौन सा एडमिट कार्ड मिल रहा है, मेरे को खुद को समझ में नहीं आ रहा। तो ये आप लोगों का डेटा कलेक्ट करने का एक तरीका है। सबको पता है कि अभी एडमिट कार्ड के लिए बच्चों के अंदर काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी है, बच्चे काफी ज्यादा क्यूरियस है एग्जाम को लेके, एडमिट कार्ड को लेके। तो कुछ भी नहीं है, आपको एक जस्ट बिल्कुल एक हल्का सा आपको एक क्लिक बीट दिया जा रहा है और उसके अंदर आप जाके अपना डेटा फिलअप कर रहे हैं। तो ये आपका डेटा कलेक्ट करने का एक तरीका है। इस डेटा का क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करके और इस डेटा को सेल करते हैं लोकल स्कूल्स को, कॉलेजेस को, बैंक्स वगैरह को। अब अपन सोचते हैं कि अपने पास एक, भाई मेरे पास वहां से कॉल आया तो उनको मेरा नंबर किसने दिया, तो उनके पास इस तरीके से आपके नंबर्स पहुंचते हैं। ये डेटा कलेक्ट करने का सीधा सा तरीका है, उनके इनको उस चीज़ के पैसे मिल जाते हैं। बट इनको वो बिल्कुल भी वो नहीं है कि यार इस समय बच्चे इतने ज़्यादा क्यूरियस है तो उनकी फीलिंग्स के साथ नहीं खेलना चाहिए। ये सब अभी आपका एडमिट कार्ड नहीं आया यार, बच्चे मेरे को फ़ोन कर करके इतना परेशान कर दिए कि यार भैया हमारा एडमिट कार्ड आ गया है, उस वेबसाइट के ऊपर दिखा रहा है। मैंने उस वेबसाइट को पर्सनली जाके देखा, उस वेबसाइट में खुद में इतने ज्यादा बग्स वगैरह आए हुए हैं, कौन सा ऐप डाउनलोड करवा रहा है, फिर उसके बाद जाके वहां पे अपना डेटा फिलअप करो, ये वो। अभी आपका एडमिट कार्ड नहीं आया भाई, ये जस्ट एक बच्चों को बेवकूफ बनाने वाली बात है। आपका डेटा लीक हो जाएगा, फिर काउंसलिंग के टाइम पे आप ही को दिक्कत आएगी, कोई सा कॉलेज भरोगे और कोई सा मिल जाएगा। फिर मत कहना कि भैया आप लोगों ने हमको बताया नहीं, आप लोगों ने इन्फॉर्म नहीं किया। तो अभी एडमिट कार्ड नहीं आया, जब तक nta.ac.in पे आप जाओ, वहां पे जेई मेंस का जो वेबसाइट है ना, jeeimains.nic.in, उस पे जब तक कोई अपडेट नहीं आता तब तक आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है, ठीक है। उसी पे आपका मेन एडमिट कार्ड आएगा और किसी वेबसाइट पर नहीं आएगा। तो और फालतू जगह पे अपना कहीं पे एप्लीकेशन नंबर वगैरह भरने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही आएगा, सबसे पहले, सबसे लास्ट में, बीच में, जैसा भी हमको जैसे ही पता लगेगा, आपको सबसे पहले वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया है, ठीक है। इतनी रात को वीडियो बनाने का यही मोटिव था नहीं, मैं आराम से अपना काम करके जस्ट लेटा ही था और बच्चों ने फोन करके बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। बट कोई नहीं, फेक था, मतलब ये जो भी वेबसाइट वगैरह फैल रही है फेक है। आपका डेटा कलेक्ट करने का तरीका, मतलब लोगों ने हर चीज हदें ही पार कर दिया पैसे कमाने के लिए, क्या क्या मतलब। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। तो बस आपको अपना डेटा कहीं भी फिलअप नहीं करना है, जैसे ही आएगा सबसे पहले आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछे। पढ़ते रहिए, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक।